पढ़ोगे नहीं जॉब नहीं होगी, कुछ करोगे नहीं काम नहीं होगी। लाइक पहले इस्लामपुर रेलवे स्टेशन गया था, वहाँ पे मेरे को पता नहीं मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, इससे मेरे को फर्क नहीं है। मतलब फर्क पड़ता है क्या बोले, अपन लोग गलत बोले होंगे तो फर्क पड़ता है। ये देखो एक गार्ड अंकल यहाँ पे खड़े होते हुए, और फिर ये अभी तो स्टार्ट हुआ नहीं, इसके पिछले वाले ये वाली ना पूरा बिहार से सबसे लंबा वाला फ्लाईओवर है, क्योंकि ये मान लो ना तुमने तो ये देखो हर नॉर्थ मार्केट, अपन लोग कुछ कुछ तो आगे आ चुके। ये देखो पूरा अच्छे तरीके से अभी खुला नहीं है, सामने के साइड से ही चलो। फिर इधर के साइड टिकट देख रहा हूँ, टिकट और फिर इधर तो ऐसे ही बंद है, मेरे को लगा रिजर्वेशन होता है लेकिन यहाँ पे होता है टिकट देख रहा हूँ। तो सर अंजीबी आने वाली होगी 8:30 में, तो वहाँ से खुलती है राजगीर से, तो इतना जल्दी थोड़ी होगा। ये वाला गाड़ी बच्चा का है भाई, हम बैठेंगे टूट जाएगा। पहले तो आंटी हमको दौड़ा दौड़ा मारेंगे भाई, इस पे बैठ के टूट गया ना। सो जय श्री राम गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ, लाइक अभी अपन लोग हरनौत की ओर निकल चुके हैं, और फिर यहाँ से आप लोग को काफी मस्त सा टूर करवाएंगे गाइज, क्योंकि हरनौत का जो भी 4 लेन बन चुका है ना, काफी भयानक बन चुका है, जो कि आप लोगों ने पिछला वीडियो में देख लिया था, हाईवे वाली जो कि संडे राइड वाली ब्लॉग थी ना, उसमें आप लोगों ने देखा था। तो आज अपन लोग सोचे यार चलो आज अपन लोग हरनौत रेलवे स्टेशन भी दिखा दे। सो चलो भाई गाइज इसी बात पे ना अपन लोग जल्दी से यहाँ से निकलते हैं और फिर डायरेक्ट आपको मिलते हैं हरनौत रेलवे स्टेशन के पास, प्लस 4 लेन उधर का और भी अच्छे अच्छे वाला व्यू में आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोगों ने लगभग तो देख लिया था ना टोल टैक्स जहाँ पे बन रहा था ना, वहाँ तक तो आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग अपना, जो भी संडे राइड वाली ब्लॉग थी। बट उसके आगे वाली जो भी है ना 4 लेन, वो वाली भी मैं आज कवर करने वाला हूँ, प्लस रेलवे स्टेशन भी। तो वीडियो को देखना एंड तक, भूलना नहीं गाइस, वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रहा है और सुबह का टाइम है तो समझ ही सकते हो। सो जल्दी से चलते और फिर डायरेक्ट मिलते हैं गाइस अच्छे अच्छे व्यू में। सो भाई संडे राइड वाली ब्लॉग का अपन लोग यहाँ पे एंड किए थे ना, तो यहीं से अपन लोग को स्टार्ट करते हैं और फिर पूरा प्रॉपर हरनौत तक जाते हैं, क्योंकि हरनौत का रेलवे स्टेशन प्लस 4 लेन दोनों कवर अप करनी इस वीडियो में, तो समझ सकते हो अपने को दोनों पैकेज मिला के देनी है आपको ये यूट्यूब पे ये वाली वीडियो। तो प्लीज वीडियो को देखना जरूर गाइस एंड तक। और फिर अभी से एक हेलमेट ले रहा, हेलमेट पहन रहा और फिर ये अपना बाइक मस्त वाला R15, तो लॉन्ग टूर है इसी कारण से R15 से ही जा रहे हैं, क्योंकि लंबे दूरी तक तय करने के लिए यही सही है। प्लस देख रहे हो सामने के साइड वो डेंटल कॉलेज है, प्लस 4 लेन काफ़ी मस्त वाला, आप लोगों ने तो देखा ही होगा। और अब यहाँ से टूर अपना स्टार्ट होता है हरनौत रेलवे स्टेशन का, प्लस 4 लेन दोनों का। ये देखो एक गार्ड अंकल यहाँ पे खड़े होते हुए, और फिर ये अभी तो स्टार्ट हुआ नहीं, इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा बेना वाले में, इसको मैंने दिखाया था, तो इसको स्किप करते अपन लोग और आगे पहले जाते हैं। भाई 2 दिन से ना वेदर काफ़ी मस्त हो रखा है, देख रहे हो इधर का व्यू, प्लस देखो सूर्य भगवान बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, बादलों में पूरे तरीके से ढके हुए हैं, और व्यू भी काफ़ी मस्त हो जाता है, तगड़ा सा हो जाता है जब ऐसा मौसम होता है। तो उस दिन इधर के साइड से बेना स्टेशन गए थे ना, देख रहे हो, और अभी अपन लोग बेना से आगे जा रहे हैं, ये भी बेना ही है, बेना से आगे हरनौत है, तो अभी अपन लोग उससे आगे हुए और फिर डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट किए हैं, क्योंकि आप लोगों देखे होंगे इससे पहले वाले में बेना रेलवे स्टेशन वाले में वो सब वीडियो, मतलब वो सब सारा व्यू देखे थे, इसी कारण से वहाँ से अपन लोग पॉज किए थे और फिर डायरेक्ट यहाँ पे स्टार्ट किए हैं। तो अभी ये वाली ब्रिज ना काफ़ी हेवी लग रहा है, मतलब काफ़ी मस्त लग रहा है, डिसेंट सा लुक भी दे रहा है, प्यारा सा भी लग रहा है। ऊपर के साइड तो जाने का कोई उधर से रुकावट लगा हुआ था, इसी कारण से ऊपर की ओर नहीं गए, बट ये वाली ना पूरा बिहार से सबसे लंबा वाला फ्लाईओवर है, क्योंकि ये मान लो ना तो नहीं भी तो कम से कम 500 फिर 1 किलोमीटर के आसपास ये लंबा ब्रिज है। सो भाई ये देखो अभी अपन लोग बेना से आगे आ चुके हैं, हरनौत जस्ट पहुँचने वाले, सामने के साइड एक और फ्लाईओवर, इसका मैंने एंडिंग नहीं दिखाया ना, बहुत ही भयानक वाला इसका था यार, मतलब 1 किलोमीटर मान ही लो इतना लंबा फ्लाईओवर था, प्लस एक फ्लाईओवर खत्म हुआ नहीं 400 फिर 500 मीटर बाद एक और फ्लाईओवर स्टार्ट, लाइक यहाँ से देख सकते हो, तो जहाँ देखो ना वहाँ फ्लाईओवर 500-600 मीटर के आगे ही एक फ्लाईओवर स्टार्ट होती है, कोई तो फ्लाईओवर 200 मीटर का 500 मीटर का होता है, कोई तो 1 किलोमीटर का फ्लाईओवर है, तो फ्लाईओवर तो भर चुका है अपना बिहार में, प्लस सही है ऐसा होना भी चाहिए। प्लस ये देखो बकरियाँ, मौसम ना इतना मस्त वाला मौसम है ना, बकरियाँ ज़्यादातर आपको खेत
हमें दिखेगी घास चरते हुए, दिख रहे हो? ये देखो भाई कितना प्यारा सा लग रहा है, डिसेंट सा, मतलब बहुत ही प्यारा प्यारा सा लग रहा है यार। ये लोग मतलब छोटा छोटा जानवर को देखते ना तो मेरे को काफी ज्यादा प्यारा लगता है। प्लस बकरी ये लोग पूरा घास खा रही है यार, बहुत अच्छा। प्लस ये लोग चरवाहे लोग, और फिर उधर टमाटर का खेत देख रहा हूँ। और प्लस मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जो कि मेरे को बताना नहीं चाहिए, बट फिर भी बोलूंगा, कोशिश करो यार, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। टूटा फूटा ही सही भाई, लेकिन कोशिश करो, कोशिश करोगे तब सीखोगे, नहीं कोशिश करोगे नहीं सीखोगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको एंड में बताऊंगा मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, लास्ट में बताऊंगा विद प्रूफ के साथ, मैं आपको दिखाऊंगा भी। भाई देखो ये हरनौत का GDM कॉलेज है। ये जब मैं ग्रेजुएशन करने का कोशिश कर रहा था ना, उस टाइम ये रोड बहुत ही पतला था, तो मैंने यहाँ पे आया था एडमिशन के लिए आया था। तो भाई मतलब ये लोग इधर ना चाह रहे हैं, उधर ना चाह रहे हैं, इधर उधर बहुत कुछ अपने को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। बट उसी टाइम अपना यूनिवर्सिटी चेंज हुआ था, मगध से पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में चेंजमेंट हुआ था, तो उसी टाइम अपन लोग ऑनलाइन अप्लाई किए थे, तो अपने को कॉलेज मिला था नालंदा कॉलेज, तो उससे अपन लोग ग्रेजुएशन किए थे। बट मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ ना, तो ये गाइस बहुत ही घटिया कॉलेज है GDM कॉलेज, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ जो भी हो ना यहाँ पे कभी मत आओ, वही भलाई होगा भाई, क्योंकि ये लोग ना सिर्फ इधर उधर फोकट का घुमाएंगे और मजे लेंगे बस घुमा घुमा के। ये लोग अपन लोग हरनौत मार्केट पहुँच चुके हैं, उधर साइड से भी जाने वाला रेलवे स्टेशन था, बट इधर अपन लोग पूरा मार्केट कवर अप करके जाएंगे रेलवे स्टेशन, क्योंकि आपको पूरा अच्छे तरीके से दिखाना है ना, तो कवर अप तो करना पड़ेगा। मार्केट इस टाइम उतना खुला नहीं है अच्छा से, बट ज़्यादा लगभग मेरी सीमेंट ये सब होता है ना, वो सब का खुल चुका है। प्लस ये एक और फ्लाईओवर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ना, जो बंद था, वो वाली ये फ्लाईओवर है, उसके नीचे नीचे अपन लोग जा रहे हैं, और सारा ये हरनौत में ही आती है। इधर देखो कैसे कट्टू बनता है जानवर को खाने के लिए, देख रहे हो इसका प्रोसेस, देखो बस जो आटी आटी होता है ना इसको डालते जाओ और फिर उधर से निकलता जाएगा कट्टू। तो ये देखो हरनौत मार्केट, अपन लोग कुछ कुछ तो आगे आ चुके हैं। ये देखो पूरा अच्छे तरीके से अभी खुला नहीं है, सामने की साइड से ही चलो, बट इधर की साइड पीछे और फिर इधर के साइड मतलब टूटा फूटा रोड है, बट रॉन्ग रूट से तो जाना नहीं चाहिए, बल्कि रोड कैसा भी हो, प्लस कचड़ा देख रहे हो, पूरा जब कंप्लीट होगा ना तो ये सब सारा कुछ बन जाएगा, क्योंकि भी एक साइड हुआ है पूरा पिच, ये साइड पूरा बाकी है पिच। तो ये देखो सारा रेस्टोरेंट रांची रोड हरनौत, अच्छा इधर रांची रोड नाम है भाई, बिहार शरीफ में भी रांची रोड है। प्लस ये पिच वाला रोड काफ़ी अच्छा लग रहा है, और फिर ये रोड देख रहा हूँ कैसा है, एक साइड हुआ पिच एक साइड बचा हुआ, प्लस तारबूज सारा कुछ, मार्केट अभी स्टार्ट ही हो रहा, ओपनिंग ही हो रहा सारा मार्केट का, तो अभी तो स्टार्टिंग है भाई। मतलब अपने को एक बार जब मेरे को ट्रेन पकड़ना था ना, तो अपन लोग बहुत ही स्पीड में गए थे, वो भी स्प्लेंडर बाइक से गए थे, ट्रेन पकड़नी थी अपने को संपूर्ण क्रांति। तो शाम का टाइम था, 5 बज रहा था भाई, कोई ट्रेन उस टाइम नहीं मिल रहा था, इसी कारण से पूरा स्पीड में गए थे ना, तो बस एक ही बार हरनौत गए थे बाई रोड रेलवे स्टेशन, तो मेरे को उस टाइम पूछ गए थे तो हो गया था, बट अभी मेरे को उतना कंफर्म पता नहीं चल रहा कि इधर से अपने को अंदर की ओर जानी है, तो अभी इधर से देखते हैं कहाँ से रूट है, आगे से होगा मे भी, क्योंकि एक मंदिर है, मंदिर के साइड से ही रूट था उस टाइम। फाइनली भाई अपन लोग ये देखो इधर रेलवे स्टेशन की तरफ आ चुके हैं, वो उधर मंदिर था पीछे के साइड, मेरे को लग रहा था यही है, क्योंकि अपन लोग थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे, लेकिन फिर अपन लोग पीछे होके इधर से आ गए, क्योंकि मेरे को पता था ना एक बार आए थे ना, तो उतना अच्छे से याद नहीं, लेकिन हाँ याद तो था यार। फाइनली भाई रेलवे स्टेशन आ चुके, इधर उससे पहले थोड़ा सा एक क्रॉसिंग है, प्लस वो जो भी इंजन ये सब का जो वर्कशॉप होता ना वही है उस तरफ। ये देखो ये रेलवे का वर्कशॉप है उधर, जो जो भी मतलब क्या क्या की चीज़ का जरूरत है मेरे को पता नहीं, बट वो वर्कशॉप है, वर्कशॉप बोलते हैं ना, हाँ वर्कशॉप। और फिर आगे की साइड है रेलवे स्टेशन, मेन गेट आगे के साइड है या फिर नहीं है ये तो मेरे को नहीं पता, बट अपन लोग इधर से ही गए थे उस दिन, तो इसके बारे में तो अपने को पता है, बट मेन गेट है या फिर नहीं है ये नहीं पता। दिख रहा हूँ वहाँ से शायद एंट्री है, वो देखो वहाँ से एंट्री है, तो अपन लोग वहाँ पे चलते हैं पहले। बाइक अपन लोग पार्किंग करने का जगह होगा या फिर नहीं होगा ये भी मेरे को पता है नहीं। ये देखो यहाँ से भी एंट्री हो सकता है, बट अपन लोग यहाँ से एंट्री ना लेके अपन लोग मेन गेट से एंट्री लेंगे, क्योंकि मेन गेट का एंट्री ना काफ़ी एकदम मस्त हो जाता है। प्लस आप लोग भी जो लोग नहीं गए होगे ना उनको भी तो पता होना चाहिए ना कि हाँ मेन
रेलवे स्टेशन के आसपास का नज़ारा देखो भाई, मतलब रहने वाले लोग प्लस ये तालाब और भी मतलब काफ़ी अच्छा हो जाता है। ये देखो रेलवे स्टेशन एंट्री कैसा है, छोटा सा एंट्री है बट फिर भी प्यारा है, बहुत ही डिसेंट है। और यहाँ के कुछ लोग भाई मतलब ये लोग देखते होंगे ना तो बोलते होंगे ये लोग क्या करता क्या है भाई, करता क्या है लोग ऐसा बोलते होंगे, बट कोई ना यार कुछ भी करे भाई मतलब मेहनत तो कर रहे हैं ना। ये देखो अपन लोग यहाँ पे बाइक पार्क करेंगे, यहीं पे लगा लेना बाइक, रिजर्वेशन भी यहीं पे होता है ना। तो अपना बाइक हो गया पार्किंग, प्लस यहाँ पे रिजर्वेशन होता है वहाँ भी टिकट मिलता है, यहाँ पे रिजर्वेशन होता होगा मे बी। तो यहाँ से अपन लोग एंट्री ले रहे हैं, ये देख रहे हो भाई ऐसा कुछ नज़ारा। और यहाँ से एंट्री लेते हैं भाई ऊपर चढ़े, और फिर इधर के साइड टिकट देख रहे हो टिकट, और फिर इधर तो ऐसे ही बंद है, मेरे को लगा रिजर्वेशन होता है लेकिन यहाँ पे होता है टिकट। और अंदर आते के साथ ऐसा कुछ नज़ारा भाई देख रहे हो, इधर तो भाई छोटा ही प्लेटफॉर्म है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। पैसेंजर अभी आ चुके हैं, कोई ट्रेन अभी पटना जाएगी शायद, सरनजी भी आने वाली होगी, मैं भी 8 बज गया होगा, 8:18 हो चुका है देख रहे हो, तो सरनजी भी आने वाली होगी 8:30 में, तो वहाँ से खुलती है राजगीर से, तो इतना जल्दी थोड़ी होगा, 3 लेन 4 लेन है शायद, 1 2 1 2 और उधर 1 3 प्लेटफॉर्म है। तो अभी ऊपर से क्रॉस करके ना उस तरफ जाते हैं और फिर आपको उस तरफ का भी नज़ारा दिखाते हैं, आ जा अभिषेक। तो यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं अभी हम लोग और फिर देखते हैं भाई, मतलब मैं ना पहले ना बहुत ही ज़्यादा शर्माता था, लेकिन अब तो भाई जब वीडियो बनानी है ही तो शर्माना किस बात का यार। तो ये देखो इधर से 2 पटरी और फिर इधर 1 3 प्लस ये वर्कशॉप देखो, मैंने बोला था ना ये वर्कशॉप है, देख लो यार हरनौत का वर्कशॉप रेलवे का, क्या उधर लिखा हुआ ये भी पढ़ लो, कोच क्लीनिंग शॉप, वहाँ पे कोच को क्लीनिंग किया जाता है, जो भी होता है ना बोगी ये सब देख रहे हो ये सब क्लीनिंग किया जाता है। अभी नीचे आ जाते हैं, सारे लोग बैठ के मजे कर रहे हैं भाई, ये देखो मतलब काफी अच्छा अच्छा से लग रहा है। ये सामने के साइड में दिख रहा हूँगा भाई, फोन को कैसे पकड़ के रखा हूँ ये भी तो देखो, मतलब पकड़ने का तरीका मैं बहुत कोशिश किया और आखिरी में मैं सीख गया, पूरे अच्छे तरीके से नहीं बट हाँ सीख गया। ये सामने की साइड देखो मैं अच्छे से दिख रहा हूँगा बट हाँ दिख रहे हैं, कोई ना यार दिखना भी चाहिए भाई। ये अपना देखो स्टेशन, बस एक ही फ्लाईओवर है छोटा सा चुटकू सा, तो स्टेशन भी तो काफ़ी बड़ा नहीं है बट फिर भी बहुत अच्छा है यार। बट ये मौसम में ना वीडियो बनाने का मज़ा ही कुछ अलग हो जाता है। तो ये हरनौत रेलवे स्टेशन अब भी शायद 9 बजे के आसपास आएगी वो सरनजी भी यहाँ पे हरनौत में, और 10 बजे तक पटना जंक्शन। तो सोचो यहाँ से कुछ आगे जाओगे ना मतलब लगभग 5 से 10 किलोमीटर तो आपको बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन मिलेगी, फिर वहाँ से और भी आगे जाओगे तो पटना। इधर का देखो भाई काफ़ी प्यारा, वो तो बैठ गया अभिषेक, ये भाई ये तो बैठ चुका है, थक चुका है यार, मतलब सुबह सुबह आओ ना और फिर धूप भी स्टार्ट हो गई है तो जाने वक्त तो भाई मतलब काफ़ी भयानक हो जाएगा। 8:21 हो चुका है और फिर इधर के साइड देखो काफ़ी मस्त लग रहा है, बस यही कुछ है स्टेशन, ज़्यादा कुछ ऐसा रखा नहीं है। यहाँ पे टिकट भी छोटा सा ही काउंटर है, तो उससे टिकट लो और फिर अंदर आओ, प्लेटफॉर्म टिकट का ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ से कहीं से भी हेल सकते हो, बट बख्तियारपुर में टिकट तो लेना पड़ेगा भाई वहाँ जाओगे तो। तो यही कुछ है, पैसेंजर देखो वेट कर रहा है सरनजीवी का, मे भी सरनजीवी का ही वेट हो रहा है, उधर से आएगी राजगीर की तरफ से और इधर बख्तियारपुर पटना की ओर जाएगी, और इधर से भी आएगी भाई बख्तियारपुर से भी आएगी वो इंटरसिटी राजगृह इंटरसिटी एक्सप्रेस जो कि डायरेक्ट राजगीर की ओर जाएगी, तो उसका भी टाइम हो रखा आने का, लेकिन ये पटरी पे आएगी वो तो, और वो उधर राजगीर वो उधर बख्तियारपुर जाने वाला। क्या जी ये वाला गाड़ी बच्चा का है भाई, हम बैठेंगे टूट जाएगा पहले तो आंटी हमको दौड़ा दौड़ा मारेंगे भाई, इस पर बैठ के टूट गया ना फिर तो भाई दौड़ा दौड़ा मारेंगे स्टेशन में, फिर पूछो मत, हम बस अपना पैंट पकड़ के भागते फिरेंगे, वो पीछे से रगेद रगेद के मारते फिरेंगे ऐसा हो जाएगा। तो देख रहे हो नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 वो है, 2 ये है और फिर 3 ये है, जो कि 3 पे कोई गाड़ी नहीं आती है, बस 2 ही प्लेटफॉर्म मेनली चालू होता है। ये तो बस वर्कशॉप वाली जो ट्रेन आती है ना वो यहाँ पे रुकती है, शायद पीछे के साइड से उधर से गेट है, उस तरफ से गेट है,
तो उधर से अंदर जाती है और फिर जो भी काम होता है वो अंदर काम होता है फिर निकल जाता है। प्लस जो भी सामान का जरूरत होता है ना यहाँ से बहुत सारा स्टेशन पे लेके जाया जाता है सामान, यही हरनौत से ही लेके जाया जाता है। और फिर देखो नज़ारा पूरा ओपन है ना, मैंने बोला था ना यहाँ पे आपको स्टेशन का प्लेटफॉर्म का टिकट लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ेगा जब सारा कवर हो जाएगा ना और टीटी जब यहाँ पे आ जाएंगे ना तो ज़रूरत आपको पड़ेगी भाई, ये तो बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा उस टाइम, बट अभी उतना ज़रूरत है नहीं भाई। ये देखो मतलब भीड़ और बढ़ता जा रहा है क्योंकि ट्रेन आने का जितना टाइमिंग आ रहा है ना, करीब होता जा रहा है ना समय, उतना ही भीड़ बढ़ता जा रहा है। देख रहे हो सारा पैसेंजर और भी भर रहे हैं, प्लस उधर से और भी पैसेंजर आते ही जा रहे हैं, मतलब कम होने का कोई नाम नहीं है। बट ये वाला सारा घेरा आ जाएगा ना तो हर कोई जो भी स्टेशन पे एंट्री लेंगे ना वो भाई प्लेटफॉर्म टिकट लेके ही आएंगे। बट अभी तो प्लेटफॉर्म टिकट का ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी यार जल्दी से बन जाए कुछ ताकि प्लेटफॉर्म टिकट लेना पड़े सबको, और वो सही भी होता है। तो भाई मैं सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने बोल रहा था ना अभी पीछे, पहले मैंने बोला था इसके कुछ मिनट पहले ही कि भाई कोशिश करते रहो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करोगे पास होगे, पेड़ रोकोगे आम का पेड़ रोकोगे ना तो आम तुम्हें मिलेगी, अमरूद का पेड़ रोकोगे अमरूद मिलेगी, पेड़ नहीं रोपोगे फल नहीं मिलेगी, पढ़ोगे नहीं जॉब नहीं होगी, कुछ करोगे नहीं काम नहीं होगी। लाइक कहीं तुम जॉब करने के लिए जाओगे ना, अगर तुम जॉब करने का कोशिश करोगे कुछ तो आगे बढ़ने का ये रहेगा कि तुम बढ़ सकते हो आगे, मेहनत करोगे फल मिलेगा। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं इससे पहले इस्लामपुर रेलवे स्टेशन गया था, वहाँ पे मेरे को पता नहीं मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, इससे मेरे को फ़र्क नहीं है, मतलब फ़र्क पड़ता है क्या बोले, अपन लोग गलत बोले होंगे तो फ़र्क पड़ता है, सही बोले होंगे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है। बट हाँ एक चीज़ है, मैं अपना मातृभाषा जो भी है ना हिंदी, अपना हिंदी से बहुत प्यार करता हूँ भाई, बिहारी लैंग्वेज मेरा अपना अपना भाषा है, बिहारी भाषा, मैं बिहारी भाषा भी बोलता हूँ, और इन केस मेरे से कहीं कोई भाषा का और भी यूज हो जाता है ना तो उसको मैं बोलने का कोशिश करता हूँ, सही करने का कोशिश करता हूँ। ज़्यादातर मैं कोई दूसरे राज्य का भाषा नहीं बोलता हूँ, कभी कभी एक आध बार निकल जाता जुबान से, तो कोशिश करना कोई गलत बात नहीं है भाई, ठीक है मैं बता रहा हूँ कोशिश करना कोई गलत बात है नहीं, कोशिश करोगे सीखोगे। अब मैं एक और उदाहरण देता हूँ ना, जब कोई इंसान जन्म लेता है वो स्टार्टिंग से तो जानता नहीं खाया कैसे जाता है, पिया कैसे जाता है, पढ़ा कैसे जाता है, खेलना कहाँ जाता है, और फिर जॉब कैसे होता है कहाँ किया जाता है, ये तो कोई सीख के आता नहीं है ना। अगर आता है तो मेरे को कमेंट करके बताओ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ, अभी कुछ बातें मेरी सुन लो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो कोई जन्म से कुछ ले कर नहीं आता है, कुछ करता नहीं है, पढ़ नहीं पाता है सब कुछ, वो कोशिश करता है मेहनत करता है आगे बढ़ता है, पढ़ना सीखता है, दौड़ना सीखता है, चलना सीखता है, उठना सीखता है, खाना सीखता है, पीना सीखता है, तो सारा कुछ कोशिश करता है तभी होता है, या फिर उसको कोई गाइडलाइन देता है तो होता है। लेकिन अपना यूट्यूब, जब मैं इससे पहले मेरा इस्लामपुर वाली वीडियो थी ना, मेरे को पता नहीं मैंने हरियाणवी बोलने का कोशिश किया था या फिर नहीं किया था, मेरे को पता नहीं, बट हाँ कुछ कुछ शब्द ऐसी होती है ना जो हर किसी को थोड़ा सा अच्छा लग जाता है, तो वो बोलने का कभी कभी ऐसा टोन हो जाता है ना कि बोल देता है कभी कभी। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैं उसका नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं बताना चाहता। तो इस बंदे ने लिखा है कि कहाँ से बेरोजगार होकर आ गया, इसके बाद लिखा है हिंदी विद हरियाणवी बोलने का ज़बरदस्ती कोशिश कर रहा है। तो भाई चलो ठीक है, कोई भी इंसान वीडियो बनाता ना तो उसको ये मत सोचो कि वो बेरोजगार है। दूसरी बात, अगर जो बेरोजगार होता ना वो रोजगार के लिए कुछ करता है, अगर मैं बेरोजगार हूँ ना तो मैं ये काम कर रहा हूँ ना तो ये भी अपना रोजगार के लिए कर रहा हूँ, तो इसको बेरोजगार नहीं बोल सकते। प्लस और भी कोई लोग जॉब भी करते हैं, अपना यूट्यूब पे भी काम करते हैं, तो उसमें ज़्यादा मेहनत हो जाता है, दो मेहनत होता है, अपना भी है मेहनत, अपन लोग दिखाना नहीं चाहते बताना नहीं चाहते, बट इन फ्यूचर कभी दिखा दें तो कोई बात नहीं। लेकिन भाई ऐसा नहीं बोलते यार किसी को भी ज़बरदस्ती, भाई मतलब क्या ज़बरदस्ती क्या होता है बताओ मेरे को, हाँ ज़बरदस्ती क्या होता है यार, कुछ भी तो नहीं होता ना ज़बरदस्ती, बस कोशिश करो, हर चीज़ में ना कोशिश होती है मेहनत होती है, मेहनत करोगे आगे जाओगे, मेहनत नहीं करोगे आगे नहीं जाओगे, मेहनत करो कोशिश करोगे तब तो मेहनत होगा ना, कोशिश नहीं करोगे मेहनत क्या होगा। और रही हरियाणवी भाषा की, तो मेरे को हरियाणवी नहीं आता,
मैं कोशिश कर रहा हूँ, कर तो रहा हूँ ना भाई, मैं सीखने का कोशिश कर रहा हूँ ना, मैं सीख भी रहा हूँ, मुझे आती है भाई, कुछ कुछ आती है, तो तुमसे तो नहीं पूछ रहा हूँ ना मैं बस कोशिश कर रहा हूँ। तो कोशिश करना कोई बुरी बात है नहीं, कोशिश करो, फल मिलेगी, रिजल्ट आएगी भाई आगे। सो फाइनली भाई, आप लोग को सारा कुछ बता दिए, कोशिश करते रहो भाई, और मैंने उस बंदे का स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिया, बट मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे को नहीं लगता किसी का नाम बता के उसको ऐसा करके कोई कुछ मिलने वाला है। तो भाई प्लीज़, अगर आप वीडियो ये देख रहे हो ना, तो प्लीज़ यार ऐसा मत करो यार, हर कोई कोशिश ही करता है, कोशिश करता है, धीरे धीरे हर किसी से गलतियाँ होती है भाई, लेकिन वो कोशिश करते करते वो गलतियाँ सही हो जाती है। अब आप भी कभी बचपन में पढ़ाई की होगी ना, तो आप भी कोशिश की होगे, गलती हुई होगी, बहुत सारी गलती हुई होगी, उसी से सीख सीख के आगे इतना सही हुए कि आप सही से बोल सकते हो, होता है ना ऐसा। तो ऐसा माइंड मत करना, कोशिश करते रहना भाई, हर कोई हर चीज़ का कोशिश करना यार, हर कुछ का, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ा है भाई, जितना कोशिश करोगे ना उतना आगे जाओगे, कोशिश नहीं करोगे वैसे ही बैठे रहोगे वहीं का वहीं। तो बस यही कुछ था। तो अब आपको स्टेशन भी दिखा दिया, स्टेशन भी काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। सो सोच रहा हूँ यहाँ पे वीडियो को एंड करूँ। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइज। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना, और ऐसे हमारे वीडियो देखते रहना। और भाई अपन लोग अभी फिर भी कोशिश कर रहे हैं हिंदी सीखने का, हिंदी बोलने का, और अच्छे तरीके से हिंदी बोलने का कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश ही करते हैं और फिर कोशिश ही करते रहेंगे। तो जय श्री राम गाइस, बाय बाय। देखो यार ऊपर से नीचे से अपन लोग देखने में कितना भयानक लगता है, ऊपर देख रहे हो ट्रक चल रही है, ऊपर देखने में काफ़ी भयानक सा लगता है, मस्त भी लगता है, भयानक भी लगता है, और फिर थोड़ा डरावना भी लगता है कि अगर ऊपर से नीचे गिर गया ना तो अपना क्या होगा, सोचो। बट फिर भी यार इंजीनियर लोग का इतना हाईफाई कंस्ट्रक्शन होता है ना, इतना दिमाग लगा के वो लोग पढ़ाई करते हैं कि भाई मतलब बहुत ही हैवी होता है यार, कुछ भी बोलो।